How to lose 1 to 2 kgs in a day. अगर आप अपना वजन सिर्फ एक दिन में कम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी रेसिपीज मिलेंगी जो कि ना ही टेस्टी भी हैं, लेकिन आपका वजन कम करने में भी बहुत मदद करेंगी। उसके अलावा ये एक दिन मेरी गारंटी है आपको आपकी जिंदगी बदल देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को समस्या है कि हमें सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है या फिर हमें कहीं बाहर नहीं जाना, तो इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले हैं जो कि बड़ी ही आसानी से आपके घर में ही अवेलेबल हैं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर इंडियन हाउसहोल्ड्स में जो मैं सामग्री लेके ये रेसिपीज बनाऊंगी, एंड माइंड यू लो कैल रेसिपीज बनाऊंगी, उनके अंदर बड़ी ही आसानी से सबके घरों में ऑलरेडी ये वाला सामान मौजूद होता है। दोस्तों, डाइट तो हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन एक रात पहले यानी कि 9 बजे मैंने अपनी फैट कटर ड्रिंक बना के रेडी कर ली है। जी हाँ, इस स्टेप को करना ना भूलें, क्योंकि ये इतना जरूरी है कि जब आप सुबह उठेंगे आपको लगेगा कि ऑलरेडी आपका वजन कम होना शुरू हो गया है। तो इसके लिए रेसिपी मैंने आपके साथ जो शेयर करी है उसको विधि पूर्वक बनाइए और फिर देखिए आपको कितना फायदा मिलेगा। जल्दी से आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। दोस्तों, हम लेंगे एक सॉस पैन के अंदर 2 ग्लास पानी और उसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच अजवाइन। ये कुछ ऐसे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं जो कि हमारे सिस्टम को रात को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। हमें सुबह उठ के एकदम ताजगी महसूस होगी और जितनी भी इनके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, खास करके रात को जब हम सो रहे हों। स्पेशली उन लोगों को जिनको एसिडिटी, गैस ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इनसे भी काफी फुलावट हो जाती है और मोटापा और जो पेट है बिल्कुल एकदम बाहर निकल आता है लोगों का। तो इससे अगर आपने निजात पानी है तो सबसे पहले नाइट टाइम ड्रिंक बनाइए। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है यानी कि 6:30 बजे और मैं सबसे पहले लूंगी कड़ी पत्ता 2 ग्लास पानी के साथ में। पहले मैं इसको चबाऊंगी अच्छे से कम 1 मिनट तक आराम से धीरे धीरे करके इसको हमने चबाना है, क्योंकि ये जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं स्टमक के अंदर यानी कि जो हमारे पेट की पाचन शक्ति है उसको एकदम से तीव्र गति पे ले जाएगी, जिससे हमारा वजन बड़ी ही आसानी से कम होगा और तो और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम इसको ऐसे लेके अपने मुंह में डाल के चबाएंगे। ये मैं 1 मिनट तक चबा चुकी हूं और ये मेरे मुंह के अंदर पूरा घुल चुका है। अब मैं 2 ग्लास पानी पीऊंगी इसके साथ साथ। दोस्तों, अब 7:15 का टाइम हो रहा है और यानी कि मेरे तो एक्सरसाइज का समय हो चुका है। आप लोग भी कुछ कुछ जो भी एक्सरसाइज करते हैं करते रहिए और फिर देखिए 20 मिनट के बाद आपको कितना रिफ्रेश फील होगा। मैं यूजुअली जो मेरी रूटीन है सूर्य नमस्कार करती हूँ और मैं करती हूँ 10 से 15 मिनट का प्राणायाम। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके अलावा एक्सरसाइज क्या करनी है, कहीं जाना थोड़ी है, ऐसे खड़े खड़े अपना आपने चलना शुरू कर दीजिए, हाथ पैर हिलाइए, मतलब कोई भी एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, 8:30 से 9 बजे का समय है जबकि सबको बहुत जोर से भूख लगी होती है। तो अब नहा के अगर आप तैयार हो चुके हैं तो जल्दी से हमारे नाश्ते की तैयारी करते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सिंपल है और सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर है सिर्फ 120 कैलोरीज। मान सकते हैं? मान के क्यों, बना के देखिए, बहुत स्वाद है। चलिए आइए जल्दी से मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। दोस्तों, ये लो कैल ओट्स चीला बनाने के लिए हम लोग लेंगे 1/2 कटोरी ओट्स और 1/2 कटोरी पानी और इसको भिगोने के लिए रख देंगे। पानी मैंने गर्म लिया है ताकि इसमें अच्छे से ओट्स फूल जाएं और फिर हम इसको इसी प्रकार से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। एक फाइन पेस्ट जैसे ही बन जाएगी फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अजवाइन के कुछ सीड्स, प्याज कटा हुआ बारीक बारीक, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर बारीक कटी हुई, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया बारीक कटा हुआ और कुछ स्पाइसेस जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर और नमक की मात्रा हम कम ही रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में किसी प्रकार की भी फुलावट हो, वाटर रिटेंशन हो या हमें कोई भी ब्लोटिंग हो। और 1 चम्मच पैन में गरम करके हम इसके अंदर अपना ये ओट्स चीला डाल देंगे।
यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको ओट्स के अंदर पानी की मात्रा उतनी ही रखनी है जैसे कि मैंने आपको बताई है, ताकि आपका ये ओट्स चीला एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। बस अब इसको दोनों तरफ जैसे हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए इसको अच्छे से पका लीजिए। 2 से 3 मिनट में आपका ओट्स चीला बन के तैयार हो जाएगा। और जो हमारा मिशन है 1 to 2 kgs इन अ डे लूज़ करने का, वो आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों अब 11 बज चुके हैं और मैं तो लूंगी अपनी टर्मरिक जिंजर टी, क्योंकि मेरे को इसकी एडिक्शन हो चुकी है। माने या ना माने ये बहुत ही टेस्टी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ टर्मरिक और जिंजर ही है, जी नहीं, इसमें एक और थर्ड इंग्रेडिएंट है जो कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और वो मेरा फेवरेट है। आपको इसे ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। जल्दी से आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। दोस्तों इस फैट कटर ड्रिंक को बनाने के लिए हम लेंगे सॉस पैन में 1 ग्लास पानी, हल्दी, अदरक और काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च ही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि मेरा फेवरेट है। आप चाहें तो इसे छान के ले सकते हैं या फिर इसको एज इट इज ले सकते हैं। अदरक और काली मिर्च चबाने में भी बहुत स्वाद लगती है। दोस्तों अभी 12:30 हो रहे हैं, यानी कि दिन के 12:30 बजे, और मैं तो लंच लेती हूँ 1 बजे, तो इसका मतलब लंच से आधा घंटा पहले हम फिर से ये डिटॉक्स वाटर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 1 लीटर पानी के अंदर नींबू और पुदीना जो कि मेरे अपने किचन गार्डन से है। आप भी चाहें तो इसके अंदर इसके अलावा और भी कुछ डाल सकते हैं, बट इतना काफ़ी है। ज़्यादा कुछ वो तामझाम मत करिए बिल्कुल भी, इसको ईजी एंड सिंपल पर ही रखते हैं। तो डिटॉक्स वाटर इस टाइम पे मैं कम से कम 2 ग्लास पीती हूँ, बिकॉज आप याद है ना कि हमें पानी भी कम से कम 8 से 10 ग्लास पूरे दिन में पीना है, बिकॉज हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 2 ग्लास पेट भर के पीजिए, ताकि खाने के समय हमें ओवर ईटिंग करने का बिल्कुल भी मन ना करे। और जो हमने सोचा है We have to lose 1 to 2 kgs in one day. इसे हम पूरा करके रहेंगे। दोस्तों अब 1 बज चुका है और एग्जैक्टली वही घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतजार था। भूख लगी है ना? चलो मिलके खाना खाते हैं फिर, और क्या, ये नहीं खाया तो क्या खाया भाई। वेट कम करना तो फिर मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको खाना स्वादिष्ट ना मिले ना तो वजन कभी भी कम नहीं होता। उसके लिए टेस्टी खाना खाइए, पौष्टिक खाइए। जल्दी से आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। बहुत टेस्टी है। दोस्तों इस स्वादिष्ट सोया सब्जी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 100 ग्राम सोया चंक्स और उसको हम उबाल देंगे 2 मिनट के लिए। फिर हम उसको सीव करके इनको ड्राई रोस्ट करेंगे एक नॉनस्टिक पैन में। उसके बाद सिर्फ 50 ग्राम सोया चंक्स लेंगे और उनको मैरिनेट कर देंगे। जी हाँ, लंच के लिए हमें सिर्फ 50 ग्राम सोया चंक्स चाहिए, जिसके अंदर मैरिनेशन में हमने सबसे पहले डाला है दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस इसको मैरिनेशन करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और आराम से इसका जो हम अब मसाला है वो तैयार करेंगे। फिर से हमने नॉनस्टिक पैन के अंदर 1 छोटा चम्मच तेल लेके उसके अंदर डाल दी है इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी और जीरा। ये जितनी भी स्पाइसेस हैं फ्रेंड्स, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी हमारे डाइजेशन में। और मैं फिर से डाल रही हूँ मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट यानी कि साबुत काली मिर्च। फिर हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे, चाहे 1 छोटा प्याज ले लीजिए, और इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक कि ब्राउन हो जाए। फिर हम इसके अंदर वो सोया ग्रैनुल्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड वोला, आपकी सब्जी बनके तैयार है। गार्निश के लिए इसके ऊपर से मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, स्लाइसेस में पतले पतले काट के अदरक डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला। बस अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टर कर लीजिए अच्छे से और फिर हम इसको सर्व करेंगे। और इसके साथ में हम लेंगे 1 चपाती, थोड़ा सा सैलेड और सिर्फ 1/2 कटोरी दही, और बस हमारा लंच रेडी है।
दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अब वही समय है। बिल्कुल 2 ग्लास और डिटॉक्स वाटर जल्दी से पीजिए, मैं भी पी रही हूँ। दोस्तों आई एम श्योर आपको अभी तक मजा तो बड़ा आ रहा है इस चैनल को देखने में, लेकिन सब्सक्राइब किया कि नहीं जल्दी से सब्सक्राइब भी करिए और लाइक का बटन भी दबाइए, और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और ये परफेक्ट टाइमिंग है अपनी टर्मरिक जिंजर टी पीने का। इसको ट्राई करा ही होगा आपने और पसंद भी किया होगा। अब इसको एक बारी और ले लीजिए और फिर देखिए कितनी जल्दी आपका वजन कम होगा, और साथ ही साथ आई एम श्योर आपके टॉयलेट के भी बड़े सारे राउंड्स लग रहे होंगे। इसका मतलब ये जो जादू है हमारी डाइट का काम कर रहा है। तो ऐसे ही अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और डिनर टाइम में मिलते हैं। बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से खाना खा लेते हैं। अरे आ गए आप लोग, आई एम श्योर आपको भी उतनी भूख लग रही है जितनी मुझे लग रही है। देखिए कितना टेस्टी खाना बनाया मैंने। आपको जरूर मन कर रहा होगा इसकी रेसिपी जानने का, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन ये देखिए कितना डिलीशियस खाना है और वो भी शुद्ध शाकाहारी। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतनी अच्छी कुक हूँ। जल्दी से आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। दोस्तों ये हेल्दी और टेस्टी सोया कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वो बचे हुए 50 ग्राम सोया ग्रैनुल्स जो हमने दिन में उबाले थे, उनको इसी प्रकार से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, कटा हुआ प्याज, खूब सारा चॉप्ड कोरिएंडर, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। दोस्तों ये जो कबाब है ये एक बड़ी ही स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि ये एक प्योर वेजिटेरियन इंडियन डाइट मील प्लान है, उसके साथ साथ में ये वीगन भी है, यानी कि इसमें कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं है। और फिर हम थोड़े से इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, चटपटा चाहिए ना आपको कबाब, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और चाट मसाला। बस इन सब चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन हमें कोई ना कोई बाइंडिंग एजेंट चाहिए। अभी हमारे कबाब्स थोड़े से सौगी हैं तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेसन और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कबाब बना रहे हैं और हाथ ना गंदे करें तो कैसे होगा। जल्दी से इस प्रकार से टिक्की की शेप दे के इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए और फिर इसको नॉनस्टिक पैन में सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसी प्रकार से पका लीजिए। अरे पकाना क्या है, ये तो ऑलरेडी पके हुए हैं, आपने सिर्फ उसको 2 या 3 मिनट तक ब्राउन होने तक इस प्रकार से टॉस करना है। झटपट बनके आपका डिनर तैयार है। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, यानी कि हमारा डिनर करे हुए हमें हो गए हैं 2 घंटे। जी हाँ, भूख लगी है तो बिल्कुल कुछ नहीं खाना, सिर्फ ये नाइट टाइम फैट कटर ड्रिंक लेनी है जो कि हमने कल रात को भी बनाई थी। इसको लीजिए, आराम से 1 घंटे बाद जाके सो जाइए। ज्यादा कुछ मत सोचिए, अगर जागे रहेंगे तो फिर से भूख लग जाएगी। सो जाइए और सुबह देखिए कितना वजन कम होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आज का दिन आपका कैसा बीता मेरे साथ में, और फिर मिलेंगे बहुत सारे और वीडियोस और टिप्स के साथ में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।